कि भाई अगर लखनऊ कानपुर के बगल में नहीं होता तो फिर क्या होता। कहने का तात्पर्य मेरा यह है दोस्तों, भाई महीने के 30 दिन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह ब्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तारीख आज अपनी 7 अक्टूबर 2023 और समय हो रहा है दोस्तों सुबह के 10:45, पौने 11 बज चुके हैं दोस्तों, 11 बजने को है दोस्तों। और भाई मैं ना निकल चुका हूँ अपने काम को करने के लिए और गैस वैस तो दोस्तों मैंने डलाई ली है, फुल हो चुकी है गैस अपनी, ठीक है। और साथ में मैं ना डिवाइस भी अपनी ऑन है, ठीक है, लगभग 1 घंटे से ऑन है और आउट स्टेशन ही ऑन है दोस्तों, लेकिन आ नहीं रही है यार। ओला का कॉन्सेप्ट पता है मेरे साथ क्या चल रहा है, 2-4 दिन में ना एक आउट स्टेशन दे देता है लॉलीपॉप के तरीके, और फिर सीन क्या होता है कि फिर 3-4 दिन नहीं देता है। और जब नहीं देता है तो यार अब जब एक दिन दे देता है ना तो उसमें क्या लगता है कि भाई आउट स्टेशन चालू हो गई, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पता नहीं कैसे दे देता है। और उसके बाद फिर 2-3 दिन खराब हो जाते हैं वेट वेट करने के चक्कर में, और फिर 2-3 दिन बाद एक दे देता है। तो ये चल रहा ओला का भाई सिस्टम है ना, लॉलीपॉप दिखा के अद्धा मांस रही है इस समय। ये है भाई, ठीक है ना। आज हम ये सोचे यार क्या समय नहीं खराब करेंगे, चलते हैं विजन स्वरूप चाय वाय पीते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद ना लोकल चलाना शुरू कर देंगे। और लोकल भाई ना रात तक चलाएंगे, मतलब आउट स्टेशन के लिए वेट ही नहीं करेंगे। और अगर करेंगे भी ना तो भाई 10:45 बज रहा है ना, बहुत ज्यादा करेंगे तो भाई 11 तो बज ही रहा है ना यार ब्रो, 15 मिनट और बज जाएगा, 1 घंटा कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा वेट, 12 बजे तक कर लेंगे। अगर नहीं आता है तो 12 बजे से ना फिर अपन लोकल चलाने लगेंगे, है ना ब्रो, ये ज्यादा सही है। क्योंकि यार पता है अगर हम लोग आउट स्टेशन के चक्कर में फिर समय खराब करते हैं, और फिर पता है आउट स्टेशन तो आती नहीं है, लोकल का भी काम नहीं कर पाते। और जैसा कि परसों हम लोगों ने बात भी करी थी कि भाई हम लोग ना अपना एक टारगेट सेट करेंगे, और उस टारगेट के बेस पे ना कम से कम मिनिमम एक टारगेट राइड का टारगेट सेट करेंगे कि भाई पर डे हम लोगों को इतनी राइड है तो करनी है, आउट स्टेशन आए अदरवाइज ना आए, है ना ब्रो। तो अभी ना चलते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं कैसा क्या रहने वाला है। बाकी आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को ना दोस्तों फटाफट से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। देखते हैं आज का काम अपना कैसा रहने वाला है भाई, बस 11 से 12 बजे तक बहुत ज्यादा वेट करूंगा, और नहीं तो फिर ना भाई अपन लोकल चलाने लगेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि यार फिलहाल तो ओला हमको लॉलीपॉप रोज या हर दूसरे दिन दिखा ही रहा था, लेकिन यार आज ना मतलब यार सही काम किया है, मतलब कि यार अपने पास ना एक आउट स्टेशन की राइड आ गई है, ठीक है, ओला की, और वो है लखनऊ की, ठीक है। और राइड है चूंकि प्राइम की, तो बिल तो भाई साहब जहरीला आएगा बिल्कुल, क्योंकि इस समय ओला के बिल ना भाई साहब एकदम फाड़ के आ रहे हैं भाई भयंकर। तो चलते हैं सीधा कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, बात हो चुकी है, और देखते हैं कि इस राइड का बिल कितना आता है और अपने को कितना मिलता है, ठीक है दोस्तों। समय को खराब नहीं करते हैं क्योंकि तुरंत का पिकअप है, तो कस्टमर का फोन ना भाई इतनी देर में 2 बार आ चुका है, ठीक है। तो चलते हैं राइड को जो है ये वाली अपनी कंप्लीट करते हैं ना दोस्तों। गाइस फाइनली ना मैं पहुंच चुका हूँ लखनऊ, और लखनऊ जब मैं आ रहा था ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे दिमाग में ना एक चीज ये चल रही थी कि भाई अगर लखनऊ कानपुर के बगल में नहीं होता तो फिर क्या होता। कहने का तात्पर्य मेरा यह है दोस्तों कि भाई महीने के 30 दिन और 30 में से 20 दिन तो हम पैसा खाली लखनऊ जाके कमाते हैं। अब चाहे वो ओला से आए हो, चाहे वो प्राइवेट आए हो, कैसे भी आए हो, डजंट मैटर, ठीक है। मैटर ये है कि भाई पैसा लखनऊ आके कमाया है। मैं यार यही सोच रही थी कि अगर लखनऊ नहीं होता कानपुर के बगल में तो फिर क्या होता यार, यार लखनऊ में एयरपोर्ट नहीं होता तो क्या होता। हालांकि आज हम एयरपोर्ट नहीं आए, आज तो हम गोमती नगर आए, लेकिन फिर भी है ना दिमाग में आता तो है ही कहीं ना कहीं, क्योंकि यार बहुत बार ऐसा भी होता है कि एयरपोर्ट भी लेके आते ही आते हैं, चाहे वो ओला से आए, चाहे अभी परसों के दिन हम एयरपोर्ट लेके आए थे प्राइवेट में, है ना। तो ये चीज थी, बाकी कस्टमर को तो यार ड्रॉप कर ही दिया है। और बात करेगा दोस्तों बिल की ना, तो वो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, बिल आया था टोटल 2,222 रुपए का, ऑपरेटर मिला है हम लोगों को 1,556 रुपए का, और 100 रुपए का डेली अलाउंस, तो हो गया टोटल 1,656 रुपए। गाड़ी चली है अपनी इस राइड में टोटल 103 किलोमीटर, मतलब भाई प्राइम की राइड थी, जिसकी वजह से ना इस राइड का जो बिल है वो 1,650 रुपए मिला है भाई साहब, जहर बिल था, ठीक है, आया भी बढ़िया और हम लोगों को जो ऑपरेटर है ना वो भी बढ़िया मिला है। अब बस यार एक चीज है कि यहां से ना राइड आ जाए बाबा, और अच्छी राइड आ जाए कानपुर की, और भाई थोड़ा सा जल्दी आ जाए। अगर जल्दी आ गई तो भाई टाइमली ना अपन लोग घर भी पहुंच चलेंगे, तो भाई आज का जो दिन है ना वो एकदम बेहतरीन निकलेगा यार, शब्द नहीं आ रहे थे मेरे पास कि हम भूले गए, है ना ब्रो, बढ़िया निकलेगा यार, क्योंकि यार लखनऊ तो आएगा, 1,650 का ऑपरेटर भी मिल गया, अब यार यहाँ से एक राइड बढ़िया से निकल आए तो मजे ही आ जाएगी बाबा, है ना।
तो अभी यार 3:10 हो चुका है और हम जगह देख रहे हैं यार, यहाँ पे अगल बगल कहीं खड़े होने की जगह मिल जाए हमको थोड़ा सा, उसके बाद जो है फिर बढ़िया वेट करते हैं और देखते हैं कि कानपुर की अपनी राइड आती कितनी देर में है और फिर उसका बिल कितना आता है, क्योंकि आने वाली राइड का बिल तो बढ़िया आया ना मेरी जान। चलो दोस्तों चलते हैं, जगह देखते हैं, जगह नहीं मिल रही, एक तो हमको लगी सुसु यहाँ पे यार जगह नहीं मिल रही, कहाँ करें समझ में नहीं आ रहा यार। चलिए ठीक है ना, करते हैं चल के वेट। यार दोस्तों बात ये है ना कि यार काफी देर हो गई यार वेट करते करते, पता है हम अपना ये गोमती नगर के सड़िया चौराहे के पास में है भाई, ठीक है, यहाँ पे सामने है जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और जस्ट सामने ही खड़ा हूँ यार मैं, और 6 बजने को है, 5:41 हो गया भाई, और अभी तक ना यार राइड का कोई भी अता पता है नहीं ब्रो, ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा यार आएगी कि नहीं आएगी, आई जाए यार वरना दिक्कत हो जाएगी, 1650 रुपये ही मिला यार, 1650 में फिर हमको अगर वो करना पड़ेगा सवारी बैठालनी पड़ेगी तो फिर तो यार इशू हो जाएगा ना, कि बचत नहीं आएगी फिर, तो उससे अच्छा यही है कि यार आई जाए, है ना, बाकी वेट करते हैं यार, अगर आती है तो फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सो गाइस इस चमचमाती हुई रोड को देख करके आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं ना अभी अपने शहीद पथ वाले रोड पे चल रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ चल इसलिए रहा हूँ ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि यार अपने पास ना गोमती नगर से कोई भी राइड अभी तक नहीं आई थी, ठीक है, और समय जो है ना वो भाई शाम के 7 बजने जा रहे हैं, वो सामने देख रहे हैं लाइटें खूब सारी, वो भाई अपना एकाना है शेड़िया में, तो शाम के यार दोस्तों 7 बज रहे हैं, तो हम क्या सोचे यार कि यहाँ से तो मतलब उम्मीद जो है वो खत्म हो चुकी है भाई कि राइड आएगी या जो भी है भगवान मालिक है शायद नहीं आती, है ना, तो इसकी वजह से ना ब्रो मैं अभी जा रहा हूँ सीधा अपना यार एयरपोर्ट की तरफ, और ये सामने अपना प्लाजियो आ गया है भाई, दिख रहा होगा अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, और नहीं दिख रहा होगा तो अब दिखेगा, शायद दिखने लगा होगा मे भी दोस्तों आप लोगों को, तो अभी ना यार मैं जा रहा हूँ अपना एयरपोर्ट की तरफ में, तो यार समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, बताओ यार 7 बजने को है और हम 3 बजे आए थे यार भाई, ठीक है, और 3 से 7 4 घंटे हो गए यार मेरी जान, और 4 घंटे तक ना यार अभी तक राइड नहीं आई है भाई, क्या होगा मेरा फर्जी में ही आ गया क्या यार लखनऊ, हमें तो अब ऐसा लग रहा है कम से कम, क्या बोला जाए यार। चलो दोस्तों एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं और वहां पे ना फिर देखते हैं कि क्या रहेगा, वहां से राइड बचती है कि नहीं बचती, मतलब फेक भी नहीं आया यार, मतलब आई नहीं तब से, एक बार भी नहीं बची यार ब्रो, है ना, तो चलते हैं अभी एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं और वहां पे खड़े होंगे और वहां पे देखेंगे कि भाई अपने पास राइड आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, कि भाई रात तो यार बाबा हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि यार हमारे अंदर तथा नहीं है कि हम पूरी रात यार मच्छरों से अपने आप को कटवाएं, है ना ब्रो, 1000 रुपए के लिए बाबा रात तो नहीं रुकेंगे, लेकिन हाँ ये है कि 10-11 बजे तक तो भाई वेट कर ही लेंगे आराम से, और 10-11 बजे तक अगर नहीं आती है तो फिर यार निकल चलेंगे खाली भाई, है ना, तो चलते हैं पहले एयरपोर्ट, वेट करते हैं 3-4 घंटे और वहाँ। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था ना यार कि हम एयरपोर्ट के पास जा रहे हैं, तो यार हम आ गए थे, ठीक है, और भाई अभी ना 10:15 हो गया भाई, 10:14, ठीक है, और हमें क्या लग रहा है ना ब्रो के अपना जो नंबर है ना ओला का, जैसे कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे याद भी होगा कट जाता है, तो हमको फील यही आ रहा है कि भाई अपना नंबर कट गया है, क्योंकि यार जब से हम ड्रॉप किए ना उसके बाद से लेकर अभी तक भाई एक राइड नहीं बची सिंगल, ठीक है, मतलब फेक वाली जो आ जाया करती है वो भी नहीं बची है यार ब्रो, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम यहाँ पे पहुंचे थे ना एयरपोर्ट के पास में, तो एक भैया थे उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि एक भैया आए थे वो अभी अभी गए, मतलब 8 बजे के आसपास उनकी राइड बची थी, और वो भी आए थे 3 बजे के आसपास में, और हमने भी ड्रॉप किया था 3 बजे के आसपास में, अब यार 8 से 10:15 2 घंटे+ हो गए, ठीक है, तो हमको यही फील आ रहा है यार कि क्या 2 घंटे में कोई राइड नहीं बची होगी, या 2 घंटे में किसी ने क्या फेक बुकिंग नहीं डाली होगी, है ना ब्रो, तो यार कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि हमको अंदर से पूरा पूरा फील आ रहा है कि नंबर अपना कट गया है और अब जो है अपने पास राइड शायद मे बी के नहीं आएगी, तो 10:15 ही हो रहे हैं यार, है ना, 15 मिनट और वेट कर ले रहे हैं यार अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, नहीं तो भाई उम्मीद तो हमको नहीं है कि अभी राइड आएगी, लेकिन फिर भी यार एक बार देख लेते हैं 10-15 मिनट और, 10:30 तक देखते हैं, नहीं आती है वैसे आएगी नहीं, ठीक है, कंफर्म है श्योर, मतलब 100% श्योर है भाई हम कि नहीं आएगी, ठीक है, तो फिर भी 10:30 तक देख लेते हैं, और अगर नहीं आती है तो फिर निकल चलेंगे यार कानपुर, तो यार 10:30 बताओ सवारी भी कौन ना मिले, अरे बड़ा गंदा चक्कर हो गया यार आज का, 1650 रुपये का ऑपरेटर, अब 1650 में हम वापसी का टोल भी जेब से लगाएंगे और फिर गैस भी निकालेंगे, भिनचुद बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा यार।
चलो दोस्तों देखते हैं 10:30 तक देखते हैं, नहीं तो फिर निकल चलेंगे यहाँ से, है ना ब्रो, रात नहीं खराब करेंगे। सो गाइस रात के बज रहे हैं 12:12:13 और आपका भाई ना खाली सनसनाते हुए लहराते हुए बलखाते हुए आ चुका है कानपुर की तरफ। भाई सवारी केवल और केवल एक मिली और उनसे हमने लिए 150, ठीक है, तो 150 रुपए अपना वो और 1650 रुपए वो। भाई राइड नहीं आई यार बाबा, है ना, और मेरा जो वो था ना गणित वो सही था भाई, अपना नंबर ना कट गया था इसकी वजह से राइड नहीं आ रही थी। तो 1650 और 150 हो गए कितने अपने, 1650 और 150 हो गए 1800, और 1800 रुपए में भाई 800 की गैस लग गई, सीधा सीधा हिसाब है भाई साहब, ठीक है, 800 की गैस और 50 रुपए का वापसी का अपनी जेब से टोल, ठीक है, तो 850 रुपए कट गए, लगभग 950 रुपए बचे। भाई ये पता है अगर राइड आ जाती ना तो अपनी बचत जो थी ना अप डाउन की कम से कम आती 2100-2200 रुपए, जिस हिसाब से भाई जाने का ऑपरेटर बना था। लेकिन खैर कोई नहीं यार, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस चीज से आपको ये सीख मिलती है कि कभी कभी ना ये सारी सिचुएशंस भी आ जाती हैं, तो आपको ये सब भी फेस करना पड़ेगा। कि जरूरी नहीं है, अगर आप सोचेंगे मेरी लखनऊ आ गई तो भाई आपके 2000-2200-2100 ही बचेंगे, कभी कभी भाई 800-900 भी बचता है, जैसे कि आज मेरा 950 रुपए ही बचा भाई केवल और केवल, वो भी राइड नहीं आने की वजह से। तो अभी ना दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको 12:15 हो गया, तो टाइम हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है, तो चलते हैं सीधा घर और व्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। बाकी चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना दोस्तों फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे और देखते रहे ऋषि सिंह व्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।